वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं टीवीएस आरटीआर 310। इस वीडियो का आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे और पेश है ये आपके लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मोटरसाइकिल में टीवीएस ने आपको क्या क्या ऑफर करा है और क्या ये एक बेहतरीन घर लाने लायक मोटरसाइकिल है या नहीं आपके लिए। और उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको टीवीएस की किसी भी व्हीकल की टेस्ट ड्राइव चाहिए भोपाल में तो आप अट्रैक्टिव टीवीएस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मोटरसाइकिल भी आपको वहीं पर मिलेगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अब आपको इसमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर टीवीएस की मिलती है और ये वेव वाइट की मिलती है, जैसे कि आपको हाई एंड मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलती है। ऑब्वियसली ये भी एक हाई एंड मोटरसाइकिल है। उससे पहले हम वेरिएंट्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। वेरिएंट्स आपको इसके समझा देता हूं। 2,43,000 रुपीस से इसकी एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है इसके बेस वेरिएंट की। तो बेस वेरिएंट में आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा, ये येलो कलर नहीं मिलेगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर मिलेगा। और बेस वेरिएंट के ऊपर 15,000 अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं तो आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है। लेकिन अगर आपको येलो कलर लेना है, ये वाला कलर, तो ये आपको टॉप एंड मॉडल में मिलेगा और इसकी एक शोरूम प्राइस मिलेगी 2,64,000 रुपीस। और अगर आपको इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, थोड़ा फन करना है और आप फीचर लविंग टेक लविंग है तो आप इसके डायनेमिक किट को खरीद सकते हैं जो कि आपको 18,000 रुपए में मिलेगा। अब उसमें आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये चेन जो है वो आपको ब्राउज कोटेड मिल जाएगी। उसमें आपको जो है एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाएंगे, फ्रंट और रेयर दोनों एडजस्टेबल, फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको मिलेंगे। और उसके साथ इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा। उसमें अगर आप उसके ऊपर डायनेमिक प्रो किट पर जाना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है क्रूज कंट्रोल और ये सारी चीजों में कॉर्नरिंग के फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि कॉर्नरिंग एबीएस, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और क्लाइमेट कंट्रोल वाली सीट्स आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको 3 लेवल हीटिंग और 3 लेवल कूलिंग मिलेगा सीट के अंदर। तो वो आप एक्स्ट्रा 22,000 रुपए जब डायनेमिक प्रो खरीदेंगे तब आपको उसमें मिलेगा। लेकिन ये जो है ये इसका टॉप एंड मॉडल है जिसमें कोई भी डायनेमिक किट नहीं लगा या डायनेमिक प्रो किट नहीं लगा, तो इसी का हम आज रिव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूं, बिकॉज वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे कि एक हार्श एग्जॉस्ट नोट आता था इस सेम इंजन में RR310 में, वो एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा और बेहतर कंपनी ने इसमें कर दिया है। और न्यूट्रल पर इसको लेकर आना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल काम हो गया था, इसलिए बीच में वीडियो में कट आया है। कुछ इस तरीके का आपको इसका साउंड मिल जाता है। एक चीज़ बहुत नोटिसेबल है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, पहले आप समझना, उसके बाद मैं खुद समझाऊंगा आपको। तो आप ये थ्रॉटल का एक्शन देखना, तो जब मैं थ्रॉटल छोड़ दे रहा हूँ उसके बाद जो है पावर कट हो रही है इंजन में, तो ये चीज़ मुझे इसमें महसूस हुई। और तो इससे ही पता चलता है कि इसका राइड बाय वायर का जो ये कैलिब्रेशन है वो उतना बेहतर नहीं है। इसमें आपको राइड बाय वायर थ्रॉटल मिलता है, इसमें कोई भी आप देखेंगे एक्सेलेटर वायर नहीं जा रहा है, तो वो कैलिब्रेशन उतना बेहतर नहीं। और ये आपको चलाने में भी फील होगा, जब आप चलाएंगे और आप थ्रॉटल छोड़ेंगे तो थोड़ी देर बाद इंजन जो है वो पावर कट करेगा, देर में रिस्पॉन्ड करेगा। तो सबसे पहले हम डिजाइन से स्टार्ट करते हैं और आते हैं इसके डिजाइन में। सबसे पहले मैं ये इंडिकेटर को जो है बंद कर देता हूं। और हाँ, हेडलैम्प्स पर हम आते हैं, तो हेडलैम्प्स जो है वो आपको यहाँ पर स्प्लिट हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर LED DRLs मिल जाती हैं जो कि सनलाइट में भी इजिली विजिबल हैं। गोल्डन कलर के बीफी और चंकी अपसाइड डाउन सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं जो कि बहुत ही स्पोर्टी फील जो है स्मार्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर आपको रेस ट्यून्ड लीनियर स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसका एलॉय व्हील मिल जाता है जो कि ब्लैक्ड आउट मिलता है। यहाँ पर बॉडी कलर्ड एक्सेंट्स मिलते हैं। टायर आपको इसमें मिशलिन का मिल जाता है, रोड 5 टायर आपको मिल जाता है और ट्यूबलेस रेडियल टायर है। इसका जो साइज है आई गेस 110 सेक्शन का ये मिलता है। ओके, 110/70 R17 आपको ये टायर मिल जाता है। अब जो इसकी डिजाइन लैंग्वेज है, ये शार्प कट्स एंड क्रीसेस हैं, ये पूरी इंस्पायर्ड है साइबॉर्ग से। अब साइबॉर्ग जो है वो एक मैन मशीन सिस्टम काइंड ऑफ होता है जिसमें इंसान की तरह चीज दिखती है लेकिन वो एक्चुअल में इंसान नहीं होता है, लेकिन वो दिखने में इंसान की तरह होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस उसमें लगी रहती हैं, तो उससे डिजाइन इंस्पायर्ड आपको इसका मिल जाता है। यहां पर आपको इसके इवेंट्स मिलते हैं और ये नेट जो है देखने में बहुत ही एलिगेंट लुकिंग लग रही है। अटेंशन टू डिटेल बहुत क्रेजी आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाता है। जो फ्रंट मडगार्ड है वो भी काफी बीफी और मस्कुलर सा लगता है। जो फ्रंट प्रोफाइल है वो बहुत ही चंकी सी इसमें आपको मिल जाती है, मतलब आपको ये नेकेड स्ट्रीट फाइटर का भी लुक दे देगी। उसके साथ एक वो भारी भरकम बिग बाइक वाला भी फील आपको इसमें मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल पे यहां पे आते हैं, रेडियली माउंटेड आपको बाइबेरी का ब्रेक कैलिपर मिल जाता है, डुअल चैनल ABS मिलता है, रोटो पेटल डिस्क मिल जाती है बेटर हीट डिसिपेशन के लिए। अब आ जाते हैं हम साइड प्रोफाइल पर। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल RR310 है जिसको कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ हैंडल बार चेंज करके RTR310 बना दिया और फेयरिंग हटा दिए, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेजर चेंजेस आपको इसमें मिल जाते हैं। तो साइड प्रोफाइल में जब आप इसका टैंक देखेंगे तो वो पूरे आपको शार्प लाइंस और एक शानदार डिजाइन लैंग्वेज इसमें मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अटेंशन टू डिटेल मिल जाता है टीवीएस का। यहाँ पर आपको 3D एम्बलम मिलता है जिस पर ब्रश्ड एल्युमिनियम का आपको फिनिश मिल जाता है, जो कि अगेन बहुत अच्छा लगता है देखने में। और साइड प्रोफाइल में भी बहुत मस्कुलर और चंकी लुक्स आपको इसमें मिल जाते हैं जो ओवरऑल देखने में काफी अच्छे लगते हैं। हेडलैम्प इसमें ऑटोमेटिक फंक्शंस के साथ आता है जिसमें ऑटोमेटिक ऑन या ऑफ भी हो सकता है एम्बिएंट लाइट को देखते हुए। उसके बाद इसमें आपको जो एक और अच्छी चीज मिलती है वो है कि स्पीड के अकॉर्डिंगली हेडलैम्प जो है वो ब्राइट या उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो ये अगेन आपको एक फर्स्ट इन द सेगमेंट फीचर मिल जाता है। यहाँ पर इंडिया का फ्लैग मिल जाता है। इंडिकेटर्स काफी प्रीमियम आपको मिल जाते हैं, देखने में काफी एलिगेंट लगते हैं। ऑल द वे इसमें शार्प कट्स एंड क्रीसेस और वो मस्कुलर लुक्स जो है वो हर जगह कंटिन्यू होते हैं। ये इंजन का यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है DOHC डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट सेटअप आपको इसमें
में मिल जाता है। और रिवर्स इंक्लाइंड इंजन है ये, वही सेम इंजन है जो कि BMW 310 में आता है और TVS RR 310 में आता है। सॉरी, ये जो अंडरबेली का पैनल आप देख रहे हैं ये मुझे देखने में काफी एलिगेंट लग रहा है। ये जो वेंट्स हैं इसमें ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आपको रेस ट्यून्ड स्लिपर क्लच का स्टिकर मिल जाता है। ये है रिवर्स इंक्लाइंड इंजन। अब रिवर्स इंक्लाइंड इंजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली आपने देखा होगा ये जो इंजन का हेड पीछे की तरफ इंक्लाइंड है, ये आगे की तरफ इंक्लाइंड रहता है और इसमें एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ से जा रहा है, एग्जॉस्ट का पाइप यहाँ से जा रहा है। लेकिन इंजन में आपने देखा होगा एग्जॉस्ट का पाइप यहाँ से जाता है। 312 सीसी का ये इंजन है जो कि मैक्स पावर 35 पीएस की प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क 28 न्यूटन मीटर्स के आसपास का। लिक्विड कूलिंग के साथ इंजन आपको मिल जाता है। और एक चीज मैंने देखी कि 310 सीसी में जो सबसे बड़ा रेडिएटर मैंने देखा है वो इस बाइक में देखा है। मतलब आप 390 में भी अगर देखेंगे तो खैर उसमें सीसी ज्यादा है, 373 सीसी का इंजन है, लेकिन इस इंजन में रेडिएटर आप देखेंगे बहुत बड़े साइज का आपको रेडिएटर मिल जाता है। अगेन तो रेडिएटर का साइज काफी बड़ा है। यहाँ पर आपको ये रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है ताकि जो भी पेबल्स या कुछ उड़े तो वो इससे रेडिएटर प्रोटेक्टेड रहे। यहाँ पर इसका ऑयल फिल्टर मिल जाता है जो कि महले कंपनी का यूज है। महले ओवरऑल अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है तो ऑयल फिल्टर की क्वालिटी भी अच्छी होगी आई गेस। नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180mm का मिल जाता है। अगेन तो ग्राउंड क्लियरेंस में टीवीएस जो है वो हमेशा अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस देता है अपनी मोटरसाइकिल्स में, तो ऑफ रोड में भी आप इसको ले जा सकते हैं। फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर आपको ये हाइपर स्पेक फ्रेम मिल जाता है। ट्रेली फ्रेम है ये और ये जो आप सब फ्रेम देख रहे हैं इसका ये एल्युमिनियम सब फ्रेम आपको मिलता है तो ये लाइट है। स्प्लिट सीट सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन सीट में ये अजीब सी चीज मुझे लगी कि ये थोड़ा सा एक हार्ड साइड है जो कि जब आप बैठते हैं तो आपके बैक पे ना ये टच करता है एंड ये वाइब्रेट भी जब करता है तो आपका बैक भी थोड़ा सा मसाज होता रहता है। तो ये चीज मुझे इसमें अजीब सी महसूस हुई। बाकी सीटिंग सेटअप अच्छा है। सीटिंग रूम जो है वो आपको ठीक ठाक मिल जाता है। पिलियन सीट जो है वो बहुत ज्यादा हाइट पर ऊपर दी गई है तो लेडीज को अगर बिठाना है तो वो चीज आप नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये एक नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है। ग्रैबरेल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अटेंशन टू डिटेल काफी अच्छा दिया है। स्प्लिट ग्रैबरेल्स आपको मिल जाती है और अगर आपको कुछ बंजी कॉर्ड्स या कुछ बांधना हो पीछे टूरिंग करने के लिए तो वो भी आप इससे जो है इजिली बांध सकते हैं। रेयर प्रोफाइल में आप देखेंगे तो यहाँ पर रेयर आपको टेल लाइट्स मिल जाती हैं, LED टेल लाइट्स मिलती हैं। जो अब आप सोचेंगे कि इंडिकेटर्स इसके कहाँ हैं तो इंडिकेटर्स यहाँ नीचे हैं। अब ये पार्ट अगर आप यहाँ मैं साइड से देखूंगा तो मुझे सबसे पहली नज़र में देखते में ये लगा था कि ये पार्ट यहाँ का है, ये टूट के यहाँ लग गया है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब सी लगी कि टायर अगर पर फिटेड है, पर टायर अगर की जो फिटिंग है वो आपको अच्छी स्टर्डी मिल जाती है और नंबर प्लेट की भी कंपार्टमेंट अच्छा मिल जाता है। एक अच्छी स्पोर्टी और स्लीक एंड स्टाइलिश टेल लाइट टेल टाइडी यहाँ मिल जाती तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन यहाँ पर भी कोई इतनी बुरी नहीं लग रही। रेयर टायर भी आपको यहाँ पर मिशलिन का मिल जाता है, 150/60 का आपको ये टायर मिलता है और इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं मिलता, वो आपको डायनेमिक किट में मिलेगा। ये जो रेड सस्पेंशन आप देख रहे हैं ये रेड कलर की स्प्रिंग के साथ आपको मिल जाता है और ये KYB का सस्पेंशन है। सस्पेंशन ट्यूनिंग इस मोटरसाइकिल की अच्छी है। एक क्वेश्चन आपका ये होगा कि क्वालिटी लेवल्स ओवरऑल बाइक में कैसे हैं, तो देखिए क्वालिटी लेवल्स बहुत अच्छे हैं। प्रीमियम जो है हर चीज़ प्रीमियम फील हो रही है बाइक में। जितनी भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कहीं से भी कोई चीप क्वालिटी का फील नहीं आ रहा है। अगेन बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा फिट फिनिश लेवल है, पैनल गैप्स बिल्कुल कंसिस्टेंट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको ये एडजस्टेबल ब्रेक लीवर मिल जाता है, एडजस्टेबल क्लच लीवर मिल जाता है और यहाँ से भी जो प्लास्टिक पैनल्स आप देखेंगे सब में कहीं पर भी रफ एजेस फील नहीं हो रही हैं। तो ओवरऑल जो क्वालिटी है कोई प्लास्टिक रैटल नहीं कर रहा, सारी चीज़ें एकदम सॉलिड फिटिंग के साथ आपको मिलती है। स्विच गियर के बारे में बात करें तो स्विच गियर की क्वालिटी भी एकदम प्रीमियम मिल जाती है। अब आप ये देख रहे होंगे आपको कार जैसी याद दिला रहा है बिकॉज ऑब्वियसली ये कार वाला ही फीचर आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल का। तो क्रूज कंट्रोल आप यहाँ से इसमें टॉगल कर सकते हैं। ये इंफोटेनमेंट ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल करने के बटन्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ इंडिकेटर का मिल जाता है और ये हॉर्न आपको मिल जाता है। बाकी बटन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिल जाती है और यहाँ पे इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्टर जो टर्न ऑन करने का है मोटरसाइकिल को वो एक ही स्विच में आपको इंटीग्रेटेड मिलता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो 5 इंच का आपको ये TFT डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आपको एम्बियंट लाइट सेंसर मिल जाता है। तो लाइट सेंसर के अकॉर्डिंगली अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट करता रहेगा, रात में जो है ब्राइटनेस कम हो जाएगी ताकि वो आपकी आंखों पर चुभे नहीं। टेल टेल लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल की लाइट, इंजन ट्रबल लाइट, ये सब आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको ये लेआउट मिल जाता है, काफी क्लीन सा लेआउट है। टैकोमीटर आपको इजीली जो है इसका विजिबल रहेगा। यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको इंजन टेम्परेचर गेज मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप लॉन्ग टूर्स पे जा रहे हैं तो इंजन टेम्परेचर जो है वो आपका चेक में रहेगा। स्पीडोमीटर मिल जाता है और यहाँ पर देखें तो 0 to 60 टाइमिंग मिल जाती है। रेस टेलीमेट्री के पूरे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ट्रैक पर आपने कैसा परफॉर्म करा है तो वो भी मिल जाता है। 5 राइडिंग मोड्स आपको इसमें मिल जाते हैं, ये रेंज मिल जाती है, ओडोमीटर मिल जाता है। अब हम इसके अंदर एंटर करते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है। राइड मोड्स सबसे पहले तो आपको अर्बन मिल जाएगा, रेन मिल जाएगा। अर्बन और रेन में जो पावर है वो कम हो जाती है और ABS भी अकॉर्डिंगली एक्ट करने लगता है। ABS थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रूसिव हो जाता है। स्पोर्ट में अगर और ट्रैक में हम चलते हैं तो ट्रैक में और सुपर मोटो में रेयर ABS बंद हो जाता है, तो आप वो स्किड्स और ये सब आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। तो 5 राइडिंग मोड्स आपको मिल जाते हैं। जो सबसे पावर आप सबसे ज़्यादा अच्छी पावर आपको मिलेगी वो स्पोर्ट और ट्रैक मोड पर मिलेगी। अर्बन और रेन मोड पर पावर कम हो जाती है और ABS भी इंट्रूसिव हो जाता है। बाकी यहाँ पर आपको ट्रिप डिटेल्स मिल जाती हैं, प्रेफरेंसेज मिल जाते हैं,
तो डायनेमिक हेडलैम्प को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक मैनुअल ये सब आप कर सकते हैं, DRL भी जो है ऑटोमेटिक मैनुअल आप ये सब कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल को आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं, क्विक शिफ्टर, डिस्प्ले सेटअप, कस्टम विजेट्स, स्पीड अलर्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो आप टॉगल इससे कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल से। बाकी बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छा लेआउट आपको इसमें मिलता है और सनलाइट में भी ये इजीली विजिबल है, इजी टू रीड है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में एक तो आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है, उसके बाद अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो अपना GoPro भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं और आपका फोन इससे कनेक्टेड है तो भी आप जो है अपना म्यूजिक को टॉगल कर सकते हैं इन बटन से, तो आपको बार बार फोन जो है वो पॉकेट से नहीं निकालना पड़ेगा। सब चीज़ें बाइक में अच्छी हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे फील हुई कि इंजन जो है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इंजन ही इस बाइक पर कंपैटिबल नहीं है। सारी चीज़ें बाइक में अच्छी हैं, बस इस बाइक के लिए एक नया इंजन चाहिए, ये पुराना इंजन काम नहीं चलेगा, बिकॉज ये जो पुराना इंजन है ये YB मोटर है, अभी हम चलाते हैं और आज हम इसी वीडियो में इसको राइड करेंगे और चेकआउट करेंगे। आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि अलग अलग राइड रिव्यू और वॉक अराउंड अलग अलग मत बनाओ, एक ही वीडियो में दे दो, तो आज एक ही वीडियो में हम देखेंगे, एक ही वीडियो में दे देता हूं और देखता हूं ऑडियंस रिटेंशन में कि आप लोग कितनी लंबी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को राइड रिव्यू मिल रहा है कि नहीं, अच्छे से आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं वीडियो को। तो चलिए अब हम इसको राइड करके देख लेते हैं कि इसमें कंफर्ट, फीचर्स, परफॉर्मेंस ये सब चीज़ें कैसी मिलती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मूविंग। Visor down. So performance जो है इसमें बहुत ही क्रेजी मिल जाता है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स उसका बहुत शार्प है, बहुत शार्प थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलता है, जस्ट बिकॉज इसमें राइट बाय वायर थ्रॉटल आपको मिल जाता है, इसमें मैकेनिकल वायर एक्सेलेटर वायर आपको नहीं मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीट हाइट आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी कि नहीं शॉर्ट राइडर्स के लिए। तो मेरी हाइट है 5'8" और इसकी सीट हाइट है 800 mm की, मैं इसमें इजीली फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, तो शॉर्ट राइडर्स या एवरेज हाइटेड राइडर्स के लिए भी अच्छी रहने वाली, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। RPM जो है इसमें बहुत अनस्टेबल से रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ड्यूक 390 में जो प्रॉब्लम थी वो अनस्टेबल RPM की और कभी कभी जर्किंग करके मोटरसाइकिल बंद हो जाती थी, वो इंजन स्टॉल होने की प्रॉब्लम इसमें भी है। तो ये देखेंगे आप जैसे अनस्टेबल RPM इसमें है, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। इनिशियल पिकअप के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, इंजन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है, बहुत ज़्यादा वाइबी मोटर है ये, और गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर ये सारी चीज़ें इसमें ईजिली विजिबल हैं। 5 राइडिंग मोड्स आपको इसमें मिल जाते हैं, अर्बन मोड मिल जाता है, स्पोर्ट, ट्रैक, रेन मोड मिल जाता है और सुपर मोटो मोड मिल जाता है। जब आप इसको अर्बन या रेन मोड में डाल देते हैं तो इसकी जो पावर है वो कम हो जाती है, और पावर कम हो के आ जाती है मैक्स पावर जो है वो 7000 RPM के पास प्रोड्यूस होती है, और वो होती है 27 PS के आसपास की, और जो मैक्स टॉर्क होता है वो भी 27 न्यूटन मीटर्स के आसपास आ जाता है, तो टॉर्क 1 न्यूटन मीटर्स कम हो जाता है और जो पावर है वो अराउंड 8 PS की कम हो जाती है। तो जब आप अर्बन या सिटी में चल रहे हैं, आपको ज़्यादा पावर की नीड नहीं है, तो आप अर्बन मोड पर चला सकते हैं, और अगर आप बारिश में चल रहे हैं तो आप रेन मोड पर डाल सकते हैं। रेन मोड पर डालने से एक तो पावर कम हो जाएगी, दूसरी चीज़ ABS का जो कैलिब्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, ABS बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ये चीज़ हो जाएगी रेन मोड में। बाकी अगर आप स्पोर्ट या ट्रैक मोड में डाल देते हैं तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सस्पेंशन सेटअप इसका बहुत फर्म साइड पर है, रेयर सस्पेंशन आपको इसमें KYB का मिलता है, फ्रंट सस्पेंशन जो है वो इसमें एडजस्टेबल नहीं है, अगर आप इसमें डायनेमिक किट डालते हैं भी एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन मिलेंगे जो कि 18,000 रुपए की मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगी उसके लिए। सस्पेंशन सेटअप फॉर्म है बिकॉज मुझे जो है बहुत ज़्यादा जर्क्स लग रहे हैं ये कॉन्क्रीट रोड पे, तो मुझे बैक में मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जर्क्स मुझे इसमें फील हो रहे हैं। तो सस्पेंशन सेटअप जो है वो फॉर्म साइड पर है, स्टिफ साइड पर है, ओवरऑल राइड क्वालिटी इसकी जो है थोड़ी सी स्टिफ है। परफॉर्मेंस की हम बात करें तो अभी हमें 3500 RPM पर, और जब मैं थ्रॉटल पुल करता हूँ तो मोटरसाइकिल बहुत क्लीनली पुल हो जाती है इस पे से, तो अगेन आपको इसमें बहुत अच्छा मिड रेंज, बहुत स्ट्रॉन्ग मिड रेंज परफॉर्मेंस इसमें मिल जाता है। इंजन में बैक एंड में ना एक नॉइज़ आती है, वो नॉइज़ आती है जैसे कि वाइन नॉइज़ जो रहती है ना, सीटी जो बजती है हल्की सी विस्लिंग नॉइज़, वो नॉइज़ आती है, सुनिएगा ध्यान से, ये नॉइज़ मुझे मतलब काफ़ी पसंद है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं इनलाइन 4 चला रहा हूँ कभी कभी, उसका मुझे फील आ जाता है इसमें। बाकी गियर शिफ्ट्स की बात करें तो गियर शिफ्ट्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, गियर बॉक्स मुझे उतना मतलब इंप्रेसिव नहीं लगा, गियर शिफ्ट्स हार्ड हैं, मुझे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है और वो थोड़ा सा मेरी राइड क्वालिटी को जो है उतना बेहतर नहीं बना पा रहा, उतना इन्हांस नहीं कर पा रहा है। 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको इसमें मिल जाता है, स्लिपर एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है, तो अगर आप डाउन शिफ्ट्स करते हैं, एग्रेसिव डाउन शिफ्ट्स करते हैं तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने एक चीज़ देखी कि जैसे अभी एकदम बहुत थ्रॉटल बहुत सेंसिटिव है, तो मेरा हाथ हल्का सा भी हिल रहा है तो बहुत ज़्यादा जर्किंग आ रही है मोटरसाइकिल में, और इसी वजह से इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो क्रिस्प तो है पर हार्श है, बिकॉज इसमें जो ऑन एंड ऑफ थ्रॉटल के ट्रांजिशंस हैं वो बहुत जर्किंग वाले हैं, मोटरसाइकिल राइड आपकी राइड क्वालिटी को वो जर्की बना देते हैं। जैसे कि मैंने ये पुल करा
अब मैंने छोड़ा तो इंजन ब्रेकिंग भी बहुत तेज आएगी, उसके बाद मैं पुल करूंगा तो जर्क बहुत तेज आ रहा है, लिटरली वो इतनी तेज आ रहा है कि मेरा जो बैक है उसमें मुझे फील हो रहा है कि मैं पीछे जा रहा हूं। और अगर मैंने किसी ये बिगनर राइडर को दे दी और उसने मान लो ऐसे कर दिया इसको तो वो एकदम डर जाएगा। तो ये जर्किंग जो है ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, ये भले ही आपको ज़्यादा पावर वाले फील दे लेकिन ये सिर्फ एक जर्क है और ये आपकी राइड क्वालिटी को उतना एनहेंस नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ख़राब कर रहा है। बाकी सीट जो कंफर्ट है सीट का वो अच्छा है, लेकिन सीट के पीछे जो पिलियन सीट है उसमें एक वो हम्प सा दिया हुआ है, वो हम्प जो है ना वो मेरे बैक से टच हो रहा है और फिर मुझे उससे इरीटेशन हो रहा है। तो ये चीज़ है कि उसको अगर नॉर्मल सीट की तरह ही दे देते तो वो ज़्यादा बेटर रहता। सस्पेंशन सेटअप ऑब्वियसली इसका राइड एंड हैंडलिंग की वजह से अच्छा ट्यून्ड है, तो आपको हैंडलिंग ऑब्वियसली इसमें अच्छी मिल जाती है, मतलब बहुत ईजिली फ्लिकेबल है मोटरसाइकिल और बहुत एजाइल हैंडलिंग आपको मिलती है। 169 kgs का वेट जब मोटरसाइकिल खड़ी है स्टिल तभी आपको फील होगा, जैसे ही आप इसको चलाने लगेंगे रोल करेंगे तो वो वेट पूरा वैनिश हो जाएगा। TVS किल्स इन हैंडलिंग, हमेशा TVS की बाइक्स की हैंडलिंग जो है वो हमेशा सुपर्ब रहती है। जो राइडिंग पॉस्चर है वो इसका अपराइट है, थोड़ा सा हैंडल बार आगे की तरफ, जिस वजह से आप फ्रंट बायस होकर बैठते हैं तो आपको वो स्पोर्टी फील आ जाता है। टैंक जो है वो काफ़ी वाइड है, जिस वजह से आपको एक वो बिग बाइक वाला फील आएगा, प्रॉपर एक मस्कुलर मोटरसाइकिल वाला फील आएगा। अगर आप ट्रैक पर चल रहे हैं और आपको ऐसे टक इन करना है तो आप पीछे सीट पर मतलब अगर पीछे शिफ्ट होते हैं तो वही तो वो हम्प पिलियन सीट का हम्प आपसे आपके बैक से टकराने लगेगा, बाकी आपको पूरा एग्जैक्ट अच्छे से स्पेस नहीं मिलता यहाँ टक इन करने का। तो टॉल राइडर्स के लिए थोड़ी सी मोटरसाइकिल ऐसी हो सकती है कि उनको बाइक छोटी लगे और वो अपने आप को बड़ा महसूस करें इस पर। हाई स्पीड स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसमें बहुत अच्छी मिल जाती है, अगेन हैंडल में कोई वॉबलिंग नहीं है, एकदम स्टेबल फील मिलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत क्रेजी मिल जाती है, अच्छी मिलती है, श्योर फुटेड चलती है मोटरसाइकिल रोड पर, उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो सिटी ट्रैफिक में अगर आप चला रहे हैं तो आपको GTT मिलता है, तो आप इसको जो है सिर्फ क्लच जो है छोड़ते हैं तो भी मोटरसाइकिल जो है आराम से अपनी स्पीड मेंटेन कर लेती है विदाउट एनी थ्रॉटल। तो ये चीज़ इसमें बस अच्छी लगी मुझे कि हाँ सिटी ट्रैफिक में आपको ये चीज़ अच्छा फीचर मिल जाता है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक, तो इससे जो है आप आराम से इसमें जो है विदाउट थ्रॉटल इनपुट्स मोटरसाइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। ब्रेक्स का मैं आपको बताना भूल गया था, तो ब्रेक्स इसमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं, डुअल चैनल ABS बहुत अच्छा वर्क करता है और ब्रेक की इनिशियल बाइट जो है वो भी आपको इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल जाती है, तो ब्रेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी इंजन में पावर है इसको केपेबल है ये कंट्रोल करने के लिए। टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो टॉप एंड जो है वो थोड़ा सा अगर आपको एड्रेनलिन वाला फील चाहिए तो आप इस मोटरसाइकिल को हाई RPMs पर चलाएंगे तो भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा फील आएगा, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा हाई RPMs पर, इंजन स्ट्रेस्ड आउट महसूस नहीं होगा। यू सी दिस, तो मिड रेंज और टॉप एंड दोनों ही इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, पूरे रफ माइंड में पावर अच्छे से स्प्रेडेड है तो आपको कहीं पर भी फ्लैट स्पॉट्स नहीं मिलेगा या ब्लैंक स्पेसेस नहीं मिलेंगी, अच्छे से पावर जो है वो आप तक डिलीवर होगी। मैं देख रहा हूँ तो कूलेंट टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई चला गया है लेकिन मेरे पैरों पर हीट नहीं आ रही, तो ओवर हीटिंग जो है वो अच्छे से कैरिड आउट है इंजन में, तो हीट मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपके पैरों पर जो है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी कोई हीट नहीं आएगी। इंजन रिफाइनमेंट के बारे में बात करें तो 3000 RPM की जब तक आप नीचे हैं तब तक इंजन जो है वो आपको ठीक ठाक क्वाइट महसूस होगा, काम महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आप 3000 RPM क्रॉस करते हैं तो 4000 से 6000 RPM की रेंज ऐसी है कि उस पर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस आते हैं, इनफैक्ट फुट पेग्स पर आ रहे हैं, मिरर्स भी पूरे हिल रहे हैं, तो वाइब्रेशंस और नॉकिंग जो है वो इंजन में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाती है। तो बस इस मोटरसाइकिल में सब कुछ अच्छा है लेकिन इंजन ही अच्छा, मतलब और हो सकता था और इम्प्रूव हो सकता था इंजन, बिकॉज इंजन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं और ये इंजन ऐसा है कि मतलब मैं सिटी में चला रहा हूँ तो भी मुझे उतना कोई खास वो वाव फीलिंग नहीं आ रही, और हाईवे पर चला रहा हूँ तो भी वो एकदम वाव फीलिंग नहीं आ रही। इंजन अगर TVS इसमें नया दे देना तो ये मार्केट में किल कर देगी मोटरसाइकिल, और मैं आपको ये बात वैसे भी बता देता हूँ कि ये जो इंजन है ये 3-4 गाड़ियों में आ रहा है, GS 310 में आ रहा है, G 310 में आ रहा है और RR 310 में आ रहा है, और ये 3-4 मोटरसाइकिल जिनमें ये सेम इंजन आ रहा है वो राइडर्स को ऑलमोस्ट पसंद आ ही नहीं रहा है, बिकॉज वो मोटरसाइकिल्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सेल कर रही हैं मार्केट में, तो इंजन में ही जो है मेन फॉल्ट लाई करती है। बाकी अगर इंजन में, हालांकि इंजन कोई फॉल्टी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन राइड क्वालिटी एकदम वो श्योर फुटेड और शानदार राइड क्वालिटी ऑफर नहीं करता इंजन, एकदम वो वाव फीलिंग नहीं आ रही। लेकिन अगर आप एक ऐसे राइडर हैं जिसको फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे चाहिए हैं, बहुत ऐसे फीचर्स किसी भी और इंडियन मार्केट की बाइक में आपको नहीं मिलते हैं, पहली चीज़ ये। माइलेज के अगर बारे में बात करें तो माइलेज ये आपको अप्रॉक्सीमेटली निकाल के देगी 25 के आसपास का, 20 से 25 kmpl तक का, और बेहतर माइलेज भी मिल सकता है, बट जो मेरे हिसाब से मिलना चाहिए एस्टिमेशन है मेरा वो यही एस्टिमेशन है सिटी ट्रैफिक में। हाईवेज पर अगर आप चलते हैं अच्छी क्रूजिंग स्पीड्स पर लोअर RPMs पर तो आपको और बेटर माइलेज भी इससे मिल सकता है, बट लाइट ऑन थ्रॉटल। तो अब सवाल ये उठता है सबसे बड़ा कि आपको खरीदना चाहिए इसको, तो अगर आपको फीचर्स बहुत पसंद है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं मोटरसाइकिल में, अपने बेस्ट इन द सेगमेंट फीचर्स चाहिए और आपको लुक्स जो है वो बहुत क्रेजी चाहिए, प्रीमियम अटेंशन टू डिटेल, प्रीमियम फिट
फिनिश क्वालिटी चाहिए अगर आपको, तो ये मोटरसाइकिल आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं इफ़ यू कैन बेयर विद दिस जर्की राइड क्वालिटी। तो इंजन रिफाइनमेंट जो है वो ठीक ठाक है, बजी मोटर है, वाइब्रेशंस, अगर आपको बहुत स्मूथ राइड क्वालिटी पसंद है तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। अगर आपको इंजन जो है वो थोड़ा ऐसा भी चल जाएगा जिसमें रिफाइनमेंट लेवल्स थोड़े से कम हो, वाइब्रेशंस थोड़ा सा वाइब्रेट भी करें इंजन, तो फिर आपके लिए मोटरसाइकिल अच्छी है इफ़ यू कैन बेयर विद दैट। बाकी इंजन में कोई मेजर फॉल्ट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक में, सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं, वेल सेटल्ड हैं। तो इट्स ओवरऑल अप टू यू, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि कौन से राइडर्स को ये ज़्यादा मतलब पसंद आएगी, कौन से राइडर्स को ये पसंद नहीं आएगी। बाकी आप टेस्ट ड्राइव लेकर जरूर देखिएगा कि आपको ये मोटरसाइकिल अच्छी लग रही है या नहीं, फीचर्स इसमें आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। आई होप सो मैंने इस वीडियो में सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स कवर कर ली होंगी, आपके कन्फ्यूजन आपके क्वेश्चंस भी दूर हो गए होंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़।